किसी बलवान को विजय प्राप्त होती है तो कैसे उसका घमंडी सर आकाश से टकराने लगता है। तुम रास्ता भटक गए, कहां जाना है तुम्हें? हे वानर, मैं तो रास्ता नहीं भटका, परंतु तू यहां लेकर मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहां से लौट जाओ। हे वानर, मैं आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटता, और मेरे रास्ते में यदि हाथी भी आने आता है तो मैं उसे भी उठाकर दूर फेंक देता हूं। तुम तो केवल एक वृद्ध वानर हो, अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा तो यही है कि तुम रास्ता छोड़कर तुरंत किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। समझदारी का पाठ तुम मुझे सिखा रहे हो, परंतु लगता है कि समझदारी और मानवता का पाठ तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तुम अपनी शक्ति के घमंड में धर्म, सभ्यता, नम्रता, शिष्टाचार सभी कुछ भूल गए हो। इतना भी नहीं जानते कि अपने से बड़ों से किस तरह बात की जाती है। मैं यहां किसी वानर से धर्म का ज्ञान लेने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य केवल वो दिव्य कमल है जिसकी सुगंध मुझे नदियों, पहाड़ों, जंगलों से भटकाते हुए यहां तक लाई है। मैं वो कमल लेकर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो तुम कमल पुष्प लेने आए हो, परंतु यह कमल किसी मानव के लिए नहीं है, इसीलिए गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में किसी भी मनुष्य के आने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध? हे वृद्ध वानर, संसार का सबसे बड़ा बंधन भी मेरे बढ़ते हुए पैरों में पेड़िया नहीं डाल सकता। मैंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, मुझे कहीं आने जाने से कोई क्या रोकेगा? हे युवक, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो और प्रतिबंध तोड़ो। हे वृद्ध वानर, तुम मुझे रोकोगे? रत्रलोक में मुझ जैसा श्रेष्ठ गदाधारी कोई दूसरा नहीं है, फिर तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम वृद्ध, मैं युवक, तुम निर्बल, मैं बलवान। यदि तुम्हारे हाथ पांव हिलते भी होंगे तो कपकपाहट के मारे, और मैं चलता हूं तो धरती हिल जाती है। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भीम हूं। वायुपुत्र भीम, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। अरे तुम वायुपुत्र हो तो मैं पवन पुत्र हूं, परंतु तुम अपने बड़े भाई को पहचान नहीं सके। पहचानोगे भी कैसे, तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा जो पड़ा हुआ है। पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा, तभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। किस चिंता में पड़ गए तुम? हे वृद्ध वानर, लगता है मेरे भय से तुम्हारे हाथ पैरों की भांति तुम्हारी जीभ भी हिलना भूल गई है। अरे भाई, इतना डरते हो तो अपनी हठ और मेरा पथ छोड़ दो। चलो चलो, हटो यहां से। हे वायुपुत्र, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम युवक और मैं वृद्ध, तुम बलवान मैं निर्बल, तुम चलते हो तो धरती मिल जाती है, और मेरे हाथ पैर हिलते भी हैं
तो कब कहाट के मारे, और तुम्हारे भय से तो मेरी जीत भी हिलना बंद हो गई। तो अब तुम ही बताओ मैं यहां से कैसे उठ सकता हूं। हे वायुपुत्र, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकर समझकर मेरे ऊपर से लांग कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? अरे मैं बलवान अवश्य हूं, परंतु इतना अधर्मी नहीं हूं कि एक निर्बल असहाय बूढ़े को लांग जाने का पाप करूं। नहीं, मैं बड़े बड़े हाथियों को उठाकर फेंक सकता हूं, परंतु मैं ये पाप नहीं कर सकता। हे वायुपुत्र, न तो मुझे लांगने का पाप करना चाहते हो और ना ही मैं हिलडुल सकता हूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो और अपना मार्ग बनाओ और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अभी हटाए देता हूं। मैं चाहूं तो इसकी पूंछ पकड़कर सीधा इन लोग फेंक सकता हूं, परंतु ये वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं दया का पात्र है। पूंछ ही तो हटाना है, फिर इसमें इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। हाँ, अब क्या करना हो? होकर भी निर्बल की तरह थक गए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं, नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैं दिल के भी जरा सुस्ता रहा था। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास करो तो अवश्य ही उठ जाएगी। दोनों हाथों से हे मेरे पुत्र, मैं लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ सी पूंछ को उठाने के प्रयास में तुम गिर पड़े। हे भीम, मेरी इस पूंछ की दृष्टता के लिए मुझे दंड दो। जिस पूंछ ने तुम्हारा अपमान किया है तुम उस पूंछ को काट दो। हे भीम, तुम्हारा यह मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर। बस बस, अब बस नहीं कीजिए, मुझे और लज्जित न कीजिए। शुरू तो मुझे माननी चाहिए कि मैंने अपने दुर्वचनों से
आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझता था। समझता था कि आपकी पूछ को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक दूंगा, परंतु मैंने अपनी सारी शक्ति सारा बल लगाकर भी आपकी पूछ को हिला भी नहीं सका। और आप कह रहे हैं कि मैं इस पूछ को काट दूं। अरे ये पूछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कंकड़ को बिखेर कर रख दिया। हे कविश्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। मेरे कविश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं, कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। आप अवश्य इस देश में कोई सिद्ध गंधर्व अथवा देवता होंगी। हे पांडु नंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न वानर हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। हे भीमसेन, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाकर मुझे आनंद प्रदान करते हैं, इसीलिए मैं यहां विश्राम करता हूं। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता, परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे तुम अच्छे और बुरे और सच और झूठ की पहचान खो बैठे थे, इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। प्रिय भ्राता भीमसेन, पहले कृत नाम का युग हुआ था। इस श्रेष्ठ युग में जो भी इच्छा मनुष्य के मन में आती थी वो पूरी हो जाती थी, अर्थात कृत हो जाती थी, इसीलिए इसे कृता युग कहते थे। इस कृता युग में धर्म को कभी ग्लानि नहीं आती थी, धर्म को हानि नहीं पहुंची। फिर त्रेता युग आया, इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसीलिए इस युग को त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। हे भीमसेन, फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में वेदों के चार भाग हुए। इस युग में लोग सतभ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म मरने लगा है। परंतु हे भीमसेन, अब जिस युग का प्रारंभ होगा वह है कलयुग। इस युग में धर्म क्षुण हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा, चारों दिशाओं में अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य दिखाई देगा। हे पवन पुत्र, आपका यह उपदेश सुनकर मैं धन्य हो गया। आपकी अमृतवाणी से मेरा जन्म सफल हो गया। आपसे मेरी एक अंतिम विनती है। कहो भीमसेन, क्या विनती है तुम्हारी? विदा होने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। शतयोजन समुद्र को लांघते समय आपने जो विराट स्वरूप धारण किया था, आपके उस विराट रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। मेरे अनुज भ्राता,
तुम मेरे उस विराट रूप को देखने के लिए हट मत करो भ्राताश्री। मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। हे हनुमान जी, यदि मैं आपसे अनुग्रहित होने के योग्य हूं तो कृपया आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे कुंती पुत्र भीम, यहां तक ही मेरा विराट रूप तुम देख सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना ही रूप दिखाया है। परंतु मैं इससे भी विराट स्वरूप धारण कर सकता हूं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार विराट स्वरूप ले सकता हूं। हनुमान जी, मैं धन्य हो गया आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने रौद्र रूप का मुझे दर्शन करवाया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। परंतु अब अपना पूर्व रूप धारण कीजिए, क्योंकि मुझमें आपके सूर्य के समान तेजस्वी रूप को अधिक समय तक देखने की क्षमता नहीं है। जय श्री राम। मेरा यह स्थान किसी को न बताना। ये अड़े सिंह पर बीत करना। अरे डाइट का